कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा था और सब लोग ने एक्टिंग भी बेस्ट है और स्टोरी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ थोड़ा है ना इंटरवल से पहले मुझे ऐसा ठंडा जैसा था, लेकिन फिर उसके बाद में जो उसका आर्म लॉस्ट होता है फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल है। अभिषेक बच्चन और सैमी खेर के परफॉर्मेंसेस की एक्टिंग के बारे में बात करें। एक्टिंग तो भाई अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, जिस हिसाब से उसका प्रेजेंस था वो भी बहुत अच्छा था, और सैमी भी उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी एक्टिंग दी। काफ़ी इमोशंस से भरी ये फिल्म है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इमोशंस तो बहुत है, जैसे उसने अपना राइट आर्म, वो बैट्समैन थी, राइट आर्म उसने ना लॉस कर दिया और एंड में पता चला कि भाई किसकी वजह से लॉस हुआ है, उसने पूरा ट्रेन किया उसको, फिर ट्विस्ट, स्पॉइलर नहीं देना है। अच्छा, तो उसने पूरा है ना अपना लेफ्ट आर्म फिर ट्रेन किया, बैट्समैन से बॉलर बनी, नेक्स्ट लेवल है। कितने स्टार्स देंगे? मैं 4। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? कहानी की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स ड्रामा है, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। सबसे पहले तो कि जैसे कि जो अगर देखा होगा ट्रेलर में कि एक ऐसी बॉलर, एक ऐसी क्रिकेटर की कहानी है जो बैट्समैन होती है और जिसका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन टीम में, लेकिन एन गेम में जाने से, नहीं जाने से पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दाया हाथ कट जाता है, फिर वो टर्न होती है एक बॉलर में। ठीक है, एक ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि ये ट्रू कहानी से इंस्पायर्ड है। एक स्पोर्ट्समैन थे जिससे जिसे प्रेरित है कहानी, लेकिन आपको लगेगा कि क्या कई सारी चीज़ें हैं कि ऐसा हो सकता है क्या या ऐसा नहीं हो सकता, तो पूरी फिल्म बहुत ही अपलिफ्टिंग है, इंस्पायरिंग है, जिसको देख करके एक अच्छी वाइब आती है। आपके परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, अभिषेक बच्चन आउटस्टैंडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आर पाल की जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बेस्ट सेव करके रखते हैं बच्चन के लिए। उन्होंने पाल में भी बहुत ही कमाल का काम किया था अभिषेक से, इस बार भी उन्होंने बहुत ही एक अलग तरह से उनको पेश किया है कोच के रूप में, और सयामी को बहुत ही नीती रोल मिला है। आप सोच सकते हो एक क्रिकेटर है, सेंट्रल कैरेक्टर है और एक हाथ से बॉलिंग करती है, तो बहुत कुछ सॉन्ग को दिखाने के लिए वो डगमगाई नहीं है। यू नो स्पेशल अपीयरेंस अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो देखिए अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार हैं कि वो जहाँ पे भी होते हैं तो वो आपको उनको देखना ही पड़ता है, एक लगता है कि जो जो स्क्रीन वैल्यू है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया ना, तो जो कॉमिक तरीके से यूटिलाइज किया, मुझे वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा वो ड्रॉबैक लगा। और कितने स्टार्स देंगे? 3.5। थैंक यू। मैं अभी अभी घूमर का प्रेस शो देख के आया हूँ। माय नेम इज़ चैतन्य पाडुकोन, मैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अभिषेक बच्चन को तब से जाना है, इवन बिफोर ही केम इनटू मूवीज़, उनकी रेफ्यूजी फिल्म का प्रेस शो में भी मैं गया था और उनकी पूरी करियर ग्राफ में मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ हिज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रोल्स, जो कि एक परफॉर्मेंस इंटेंस रोल है, क्योंकि एक पियंकर्ड और फ्रस्ट्रेटेड आदमी किसी को प्रेरणा दे या मेंटोर और कोच बने, ये मतलब इवन सोचने में भी नामुमकिन लगता है, लेकिन वो उसमें कर दिखाते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी एंगेजिंग और मतलब आपको इंटरेस्ट होल्ड करती है, और ये मैं कहूँगा कि खास क्रिकेट लवर्स के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा तोहफा है। एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.5 स्टार्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैमी खेर, जिसको मैं कहूँगा वुमन ऑफ द मैच, एंड अभिषेक बच्चन इज द मैन ऑफ द मैच। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने जो है वो इंस्पायरिंग है, लिरिक्स वगैरह। और सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी, टेक्निकल पॉइंट से बताऊँ तो सैमी खेर की जो प्रोस्थेटिक आर्म, वो जो जैसे वो होता है इंडस्ट्री में, उसके लिए दाद देना चाहूँगा कि इतना ऑथेंटिक उन्होंने किया है, इट्स समथिंग रियली ब्रिलियंट, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये। और दिस फिल्म इज अ मस्ट फॉर एनीबडी हु लव्स क्रिकेट एंड हु हैज फेल्ट कि मेरी लाइफ में पूरी उम्मीद खो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म है। तो आई विल रिकमेंड फॉर ऑल द पीपल हु वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। थैंक यू। मैंने अभी जस्ट आर बालकी की फिल्म देखी, आर बालकी की घूमर देखी बेसिकली, और
फिर से आरवालकी ने अपना एक जो उनका साइड होता है ना मजेदार वाला वो लेकर वापस आ गए हैं। और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग से स्टार्ट करूँगी सबसे पहले, मैं सबसे पहले तो अभिषेक बच्चन की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है। वो मुझे एक्टिंग के एक छाप छोड़ ही देते हैं हर मूवी से, अगर आप देखो तो उनकी एक्टिंग तो लाजवाब है ही। सयामी खेर की एक्टिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगे कि और अच्छी हो सकती थी, बट देन मैंने ये स्टोरी का जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि काफ़ी अच्छा है कि एक पावर पे सेल्फ बिलीफ। ये मूवी बेसिकली ये बता रही है कि कैसे अपनी पावर पे सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है और किस कंसिस्टेंट फेलियर्स लाइफ में आती है। ये बदलने फिल्म ये भी बताती है फेलियर्स लाइफ में ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना है। तो ये और ना इस मूवी में मुझे अच्छा लगता है बीच बीच में ना गाना का जो म्यूज़िक का जो टेस्ट है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। सो आई वुड गिव 4.5 दिस फिल्म। सो फाइनली घूमर के पहले आर बाल्की जी ने कोई बुरी फिल्म नहीं बनाई थी और घूमर के बाद भी आर बाल्की जी ने अब तक कोई बुरी फिल्म नहीं बनाई है। तो घूमर मतलब आपके दिल को टच कर लेगी वैसी फिल्म है, मतलब सयामी खेर, आर बाल्की, अभिषेक बच्चन सब ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया वैसा हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये फिल्म इमोशंस पे ज़्यादा मतलब खेलती है, इमोशंस मतलब आपके दिल के साथ खेलती है और वो भी अच्छे तरीके से, मतलब आपके दिल पे रूल करेगी ये फिल्म। तो और जो क्रिकेट का पार्ट जो अगर हम साइड में रखें, जो लास्ट 35-40 मिनट्स जो सिनेमैटिक लिबर्टी के बनते जो उन्होंने बताया, उसके अलावा पूरी फिल्म एकदम इंटेलेक्चुअल है। डायलॉग्स भी अगर जैसे मैं क्रिकेट लवर हूँ, तो अगर आप क्रिकेट लवर है तो आप इसको ज़्यादा मतलब इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल पार्ट्स है, जो क्रिकेटिंग टर्म्स जो यूज़ किए हैं, वो इतना अच्छे से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। और लॉजिकली फिल्म ने जो भी बताया है वो एकदम लॉजिकली बताया है। सो यस, मैं वही कहूँगा कि फिल्म का मैं इस फिल्म को दूंगा 3/5। कैसी लगी फिल्म आपको? आई रियली लाइक द फिल्म। फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चौंकाती है, मस्ती भी होती रहती है, गेम्स में जो बदमाशियाँ होती वो भी होती रहती है, लड़की वाली एंगल वाली चीज़ भी मज़ेदार लगती है। ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म, देखना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको क्रिकेट पसंद है या आप वुमेन ओरिएंटेड फिल्म देखना चाहते हैं, मुझे तो इसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप देखना था, क्योंकि मेरी लाइफ में वो रिलेशनशिप वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप आई कुड एवर हैव है। इनफैक्ट ब्लैक के बाद मैंने मेरे टीचर को फ़ोन किया था और मैं अभी भी मेरे टीचर को फ़ोन कर रही, बस उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो भी अभिषेक से कम नहीं है वो भी। बट परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, अभिषेक बच्चन, सयामी खेर, कैसे लगे परफॉर्मेंस? परफेक्ट। अब मैं बोल रही ना, आई एम मिसिंग माय टीचर, एटलीस्ट आई कुड सी माय टीचर इन हिम। यू नो आर बाल्की ने हमेशा से एक बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया। इस फिल्म के साथ क्या कुछ नया लेकर आ रहा है वो, और कितनी खरी उतरे हैं वो एक्सपेक्टेशंस पर ऑडियंस के? आपको पा याद होगी जहाँ पर आपको बिलीव नहीं होता है कि अभिषेक बच्चन पिता है और अमिताभ बच्चन बेटे हैं, लेकिन आपको फिल्म देखते देखते बिलीव हो जाता है। इसमें भी वही बिलीव होता है, एक निर्देशक का काम होता है कि फिल्म को मेक बिलीव करना, वो भले आप सोच ना सकें, हालांकि ये एक तरीके की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। वो एक शूटर था और यहाँ पर एक क्रिकेट गर्ल क्रिकेट प्लेयर है, सो बिलीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ईजिली पॉसिबल भी नहीं था। अब उसको भारतीय तरीके से कैसे जोड़ा जाए वो कमाल निर्देशन ने किया है, और निर्देशन में वो मज़ेदार ट्विस्ट दिखाई देते हैं। कितने स्टार्स देंगे? 4। थैंक यू। तो अपने घूमर फिल्म देखी, ट्रेलर लाजवाब था, फिल्म देखने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है ये फिल्म? यस, एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है और एकदम ही मूवी जो है वो आपको करेज देती है, आपको मोटिवेट करती है कि अगर आप में कुछ भी कमी है लेकिन फिर भी उस कमी को अपना एडवांटेज में लाओ, उसको अपना एडवांटेज बनाओ। डायरेक्शन और नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही छुपा है आई एम पॉसिबल। डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, फैंटास्टिक, सयामी खेर वाज गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसने, अभिषेक बच्चन इज वेरी नाइस, और अच्छा रोल किया है उसने। ऑफकोर्स उसमें हम झलक अब दिख रहे हैं कि काफ़ी झलक आ रही है बिग बी सर का, काफ़ी से उसके अमिताभ बच्चन भी एज अ सरप्राइज आते हैं, तो उनके बारे में, उनके कैमियो के बारे में क्या कहेंगे? आर बाल्की की फिल्म में हमेशा रहता है वो। हाँ, वो कैमियो, उनका कैमियो इज द बेस्ट,
और वो तो है बिग बी। क्यों जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए? ऑफकोर्स जानी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। और ये जो हिम्मत और ताकत है वो इंडियंस में ही ज़्यादा रहती है और हम इंडियंस कभी हार नहीं मानते। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? ऑफकोर्स आई गिव 4 स्टार्स। थैंक यू।